हेलो फ्यूचर ब्लॉगर्स, क्या हाल चाल है? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ये जो है थर्ड वीडियो होने वाली है इस प्लेलिस्ट की, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप कैसे अपनी वेबसाइट लॉन्च कर सकते हो ब्लॉग्स वगैरह लिखने के लिए। तो वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो होता है सर्वर। आपको अपनी वेबसाइट किसी ऐसे सर्वर पर रखना होता है जो कि हमेशा अप रहे। आप अपनी वेबसाइट अगर अपने डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे रखते हो तो आप ऑब्वियसली अपनी डेस्कटॉप या लैपटॉप बंद करोगे, वो 24 घंटा ऑन रहने वाला नहीं है। तो आप अगर वेबसाइट उस पे रखते हो और आप सोचते हो कि मेरी वेबसाइट हर टाइम एक्सेसिबल रहेगी, तो वैसा नहीं होता। इसलिए आपको चाहिए होता है सर्वर, और वो सर्वर कौन देता है? वो देते हैं होस्टिंग प्रोवाइडर्स। इसीलिए इसको बोला जाता है अपनी वेबसाइट होस्ट करना। ठीक है, आपने क्या किया, अपनी वेबसाइट को होस्ट कर दिया, यानी कि उस सर्वर पे रख दिया है। तो बहुत से होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं जो कि सर्वर देते हैं। उसके अलावा अगर आजकल बात करूं तो बहुत से क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि अमेजोन हो गया या गूगल हो गया, जो कि आपको फ्री में सर्वर दे रहे हैं। तो अगर आपको ऑलरेडी इनकी थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप वहाँ से जाके फ्री में सर्वर ले सकते हैं और अपनी वेबसाइट वहाँ पे रख सकते हैं। अब जब आप अपनी वेबसाइट को सर्वर पे डालते हैं तो वो क्या देते हैं, वो आपको देते हैं सर्वर का आईपी एड्रेस। तो वो जो अगर आईपी एड्रेस होता है, उस आईपी एड्रेस को अगर आप जो एड्रेस बार में डालोगे, ब्राउजर के एड्रेस बार में डालोगे, तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। लेकिन क्या आप जो है वो आईपी एड्रेस सबको दोगे कि हाँ मेरी वेबसाइट है वो इस आईपी एड्रेस पे है? अगर आपको नहीं पता आईपी एड्रेस क्या होता है, तो आईपी एड्रेस कोई भी डोमेन नेम है, जैसे google.com है, youtube.com है, तो बेसिकली इन सब ये सब मैप्ड होते हैं किसी न किसी आईपी एड्रेस के साथ। आईपी एड्रेस जो है वो बताता है कि आपका जो डिवाइस है वो कहाँ पे है। ये अगेन इसके बारे में टेक्निकली बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने वेबसाइट किसी सर्वर पे डाल दी है तो उस सर्वर के आईपी एड्रेस से आप जो है अपनी वेबसाइट एक्सेस कर पाओगे। अब बात करते हैं कि डोमेन नेम क्या होता है और डोमेन नेम की जरूरत क्यों पड़ती है। तो डोमेन नेम अगर आप अपने ब्राउजर को ओपन करते हो तो एड्रेस बार में आप डालते हो google.com या yahoo.com या youtube.com। तो ये जो नेम है इनको बोला जाता है डोमेन नेम। तो डोमेन नेम क्या करता है, डोमेन नेम से आपका जो आईपी एड्रेस है वो मैप होता है। रादर देन आप आईपी एड्रेस से लिखो ब्राउजर पे, आप लिखते हो डोमेन नेम, क्योंकि डोमेन नेम जो है वो याद रखना आसान होता है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर आपको सारी वेबसाइट के आईपी एड्रेस याद रखने होते तो कितना मुश्किल होता। तो यहाँ पे जो बेसिकली रोल आ जाता है वो डोमेन नेम प्रोवाइडर्स का आ जाता है, जो कि आपको डोमेन नेम प्रोवाइड करते हैं वहां से हर डोमेन नेम के साथ जो उस सर्वर की आईपी एड्रेस मैप होती है। अब एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ कि मैंने गूगल क्लाउड पे से एक सर्वर खरीद रखा है। अब इस सर्वर का जो आईपी एड्रेस है वो ये आईपी एड्रेस है, और जो मेरी वेबसाइट है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। तो यहाँ आप देख सकते हो index.html और बाकी जो वेबसाइट के वेब पेजेस है वो पड़े हुए हैं। अब क्योंकि इस सर्वर का की आईपी एड्रेस ये है 34.66.129.106, तो अगर मैं इस आईपी एड्रेस पे जाऊँ, यहाँ पे अगर मैं इस ब्राउज़र पे ये वाला आईपी एड्रेस टाइप करूँ और एंटर मारूँ तो मेरी वेबसाइट जो है वो खुल जाएगी। लेकिन जस्ट इमेजिन कि क्या मैं किसी को ये वाला आईपी एड्रेस बोल सकता हूँ कि हाँ यार अगर मेरी वेबसाइट पे जाना है तो 34.66.129.106 पे चला जा। वो कम्प्लीटली से याद नहीं रख पाएगा, और कोई भी याद नहीं रख पाएगा इस चीज़ को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक डोमेन नेम खरीदते हैं और हम उस डोमेन नेम में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। बेसिकली हम उस डोमेन नेम को बताते हैं कि उस डोमेन नेम की जो मैपिंग है वो इस आईपी एड्रेस से हो जाए। तो लेट्स से हम लोग एक डोमेन नेम खरीदते हैं जिसका नाम होगा टेक्नोलॉजी हब, और technologyhub.com पे अगर मैं जाता हूँ तो वो मुझे रीडायरेक्ट कर देगा मेरे सर्वर के आईपी एड्रेस पे, जो कि मैंने एक्चुअली खरीदा है, जहाँ पे मैंने होस्ट किया है वेबसाइट। तो अगेन ये सब मैंने थोड़ा बेसिक इसलिए बताया था कि आपको बेसिक आइडिया हो कि है क्या चीज़ ये डोमेन। अब मुझे वेबसाइट बनाने के लिए हमेशा डोमेन नेम और होस्ट प्रोवाइडर्स क्यों चाहिए होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डोमेन नेम अगर आपको खरीदना है तो उसके लिए, मतलब उसके लिए क्या गाइडलाइंस है, क्या प्रिंसिपल्स हैं कि डोमेन नेम आपको कैसा खरीदना चाहिए, उस डोमेन नेम में क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका डोमेन नेम जो है वो बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए। अगर बात करूँ तो विद इन 15 लेटर्स होना चाहिए, यानी कि 15 कैरेक्टर से कम का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा 50 लेटर की का डोमेन नेम रख रहे हो। तो आपको रखना है शॉर्ट एंड क्रिस्प नेम, और उसके बाद जो आपको नेम रखने हैं वो कोई रैंडम कैरेक्टर्स नहीं रखना है। आपको कुछ वर्ड कीवर्ड ऐसे उठाने हैं जो कि आपके बिजनेस को या आपके ब्लॉगिंग, जिस टाइप के आप ब्लॉग लिखते हैं उसको रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं मोबाइल फ़ोन के बारे में लिखता हूँ तो प्रॉबली मैं अपने वेबसाइट को नाम दूंगा वो techmobile.com, कुछ इस टाइप का नाम दूंगा। और जो तीसरी चीज़ वो ध्यान में रखने वाली है वो ये है, कभी भी अपने वेबसाइट में रैंडम लेटर्स या अंडरस्कोर, हाइफन या कोई भी ऐसा रैंडम अजीब सा लेटर मत रखो। कोई भी ऐसी चीज़ मत करो जिससे आपका जो डोमेन नेम है उसको याद रखने में लोगों को दिक्कत हो या उसको टाइप करने में प्रॉब्लम हो।
ठीक है, ये यही एक्चुअली की मंत्र है। आप ऐसा रखो डोमेन नेम कि बहुत इजीली टाइप हो सके और बहुत आराम से जो लोगों को याद रहे, और आप किसी को बताते हो तो वो आराम से वो उसको टाइप कर सके। अगर मैं किसी को बोलता मेरी वेबसाइट का नाम है टेक्नो हब, तो बहुत ईजी है, इजीली दे वो लिख पाएंगे। ठीक है, तो आपको इस टाइप के डोमेन नेम रखने हैं। अब बात करते हैं कि डोमेन नेम, अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा है कि मुझे किस टाइप के डोमेन नेम, मतलब क्या नाम रखूँ, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे डोमेन नेम जनरेटर होते हैं, वो आपको क्विकली डोमेन नेम जनरेट कर देंगे। आप सिर्फ एक वर्ड डालिए या दो वर्ड डालिए, उसके बेसिस पे वो आपको डोमेन नेम जनरेट करके बताएंगे। तो मैं आपको डिटेल जो है जब स्क्रीन शेयर करूंगा तब आपको बताऊंगा कि कौन से डोमेन नेम जनरेटर है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप गूगल पे जाके डोमेन नेम जनरेटर लिखते हो तो बहुत से डोमेन नेम जनरेटर आ जाएंगे जिसमें आप सिर्फ एक या दो वर्ड डालो। तो दोस्तों, डोमेन नेम जनरेटर के लिए मैंने गूगल पे सर्च मारा, मेरे को जो सबसे पहली वेबसाइट मिली है वो मिली है ये डोमेन व्हील डॉट कॉम वाली। तो यहाँ पे आके अगर मैंने टॉप टेक लिखा हुआ है और उसके बाद मैं सर्च डोमेन पे जाता हूँ तो मुझे ये वाले ऑप्शंस दे रहा है। सिमिलरली, अगर आप चाहो टॉप टेक की जगह, जैसे अगर आप जो है एंड्रॉयड पे लिखना चाहते हो, तो आप एंड्रॉयड लिख के यहाँ पे सर्च डोमेन पे जाओ और यहाँ पे देखोगे कि ये आपको जो है डोमेन नेम जनरेट करके दे रहा है। तो ये सिर्फ आइडियाज़ हैं, ठीक है, ये बता रहा है कि आप ये रख सकते हो, ये डोमेन नेम जो भी है, ये डोमेन नेम के आइडियाज़ आपको दे रहा है। अगर आपको इसमें कुछ पसंद आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ जो आप कीवर्ड है उसको चेंज कर सकते हैं। आप इसको लेसे मैं लिखता हूँ एंड्रॉयड टॉप, या मैं टॉप एंड्रॉयड लिख सकता था, तो यहाँ पे अब मुझे बता रहा है एंड्रॉयड टॉप ऑनलाइन मैं चूज़ कर सकता हूँ, या कुछ इस टाइप के जो सजेशन दे रहा है किस टाइप के नाम हम लोग चूज़ कर सकते हैं। तो वो आपको सारे अच्छे से अच्छे डोमेन नेम का जो सजेशन देगा। उसके बाद बात करते हैं कि आपको डोमेन नेम खरीदना कहाँ से चाहिए। तो डोमेन नेम जो है कहीं कहीं पे किसी वेबसाइट पे बहुत सस्ते में मिल रहा होता है, किसी वेबसाइट पे बहुत महंगे में मिल रहा होता है। तो आप कैसे पता करोगे कौन से वेबसाइट से आपको जो है डोमेन नेम सस्ते में मिल रहा है? तो इसके लिए जो है वो काम में आता है, वो है डोमेन नेम स्कैनर। जैसे अगर ट्रैवल के लिए होता है ट्रैवल स्कैनर या स्काई स्कैनर, इस टाइप की जो चीज़ें हैं जो आपको क्विकली सारे वेबसाइट से क्विकली चेक करके बताती है कि कहाँ से आपको चीप फ्लाइट मिलेगी, कहाँ से आपको जो है चीप जो है होटल मिलेगा। तो सिमिलरली डोमेन नेम स्कैनर होते हैं, वो सारे डोमेन नेम प्रोवाइडर्स को स्कैन करके बताते हैं कि कहाँ पे जो है आपको सबसे सस्ता डोमेन नेम इस टाइम पे मिल रहा है। तो आप डोमेन नेम स्कैनर पे जाइए, वहाँ पे जो भी आपने डोमेन नेम फाइनल किया उसको टाइप कीजिए, वो बताएगा कि ये डोमेन नेम गोडैडी पे कितने का मिल रहा है, बिग रॉक पे कितने का मिल रहा है, होस्टिंगर पे कितने का मिल रहा है, नेम चीप पे कितने का मिल रहा है, और उसके बाद में फिर आप जो है वो कंपैरिजन कर सकते हैं। अगेन, बहुत से डोमेन नेम प्रोवाइडर्स हैं जिनके नाम आपको ऑलरेडी पता होंगे, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके भी डोमेन नेम खरीद सकते हैं। अगर आप ये कंपैरिजन नहीं करना चाहते, आप जो है सिर्फ आपको पता है कि मैं इसी डोमेन नेम प्रोवाइडर के साथ जाना चाहता हूँ, तो आप डायरेक्टली उस डोमेन नेम प्रोवाइडर पर जाके डोमेन नेम खरीद सकते हैं। जैसे कि गो डैडी बहुत फेमस है, या बिग रॉक बहुत फेमस है इंडिया में, नेम चीप इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड प्रोवाइडर्स। मैंने जो स्पेशली मैंने एक्चुअली बिग रॉक से डोमेन नेम ले रखा है। जब आपने एक बार अपना जो नाम है, फेवरेट नाम, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप टॉप टेक फन लेना चाहते हो, या टॉप टेक स्टार डॉट कॉम रखना चाहते हो, या टॉप टेक सिटी रखना चाहते हो, तो यहाँ से वो वाला नाम उठाइए और उसके बाद आप गूगल पे सर्च कीजिए डोमेन नेम स्कैनर। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं चीप डोमेन नेम स्कैनर। ओके, तो यहाँ पे बहुत सी वेबसाइट्स आ रही हैं जो कि आपको कंपेयर करेगी। फॉर एग्जांपल ये जो है डॉम कंपैरिजन, डोमेन नेम कंपैरिजन डॉट कॉम, तो मैंने ये वाला जस्ट चेक किया था अभी। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पे जो भी आपने डोमेन नेम सोचा है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने सोचा है टॉप टेक फन डॉट कॉम, तो यहाँ पे आप उसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। और जैसे ही आप पेस्ट करेंगे, ये आपको बताएगा कि इस वाले डोमेन नेम के प्राइस जो है वो क्या है डिफरेंट डिफरेंट डोमेन नेम प्रोवाइडर से। फॉर एग्जाम्पल गो डैडी पे आपको टॉप टेक फन मिल रहा है ऑलमोस्ट $4 में, और ये डिफरेंट कंपनीज है जिस पे जो प्राइसिंग लिखी हुई है। नेम चीप पे आपको मिल रहा है $6 में, ठीक है। तो यहाँ से आप काइंड ऑफ कंपैरिजन कर सकते हो। अगेन, ज़रूरी नहीं है कि आप ये जो डॉम कॉम डॉट कॉम पर जाओ, बहुत से डोमेन नेम कंपैरिजन की वेबसाइट है, आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो। ये सिर्फ मैंने आपको सजेशन दिया है कि आप कैसे जो डोमेन नेम को कंपेयर कर सकते हो खरीदने से पहले। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं होस्टिंग प्रोवाइडर। तो आपको जो होस्टिंग है वो कहाँ से खरीदनी है, तो इसमें भी आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं उन सब पे जाइए, देखिए कौन से आपके बजट में आता है। अगर आप जैसे अगले 2 साल या 3 साल के लिए होस्टिंग खरीदना चाहते हैं, तो देखिए कौन सा जो है आपके बजट में आता है, किसको आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन कभी भी ऐसे होस्टिंग प्रोवाइडर्स के साथ मत जाइए जिसकी जो है रेपुटेशन अच्छी नहीं है, जहाँ पे आपकी वेबसाइट हमेशा डाउन रहेगी, या वो होस्टिंग प्रोवाइडर्स इतने सिक्योर नहीं है।
तो ऐसे जो प्रोवाइडर्स हैं उनको अवॉइड करना है आपको। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा जो भी हमने डिस्कस किया उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।